अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बड़ा 4:10 अभी हम लोग जा रहे हैं शाहरुख के 125 के नंबर प्लेट लेने। आवाज अच्छी चीज से होगा। ये नेल पेंट भी चेंज करूंगी, कल ये नेल उतार दूंगी। मैं दिल करा जूस पीने का, एक छोटा गिलास बना दे ठंडा। हमारा मजेदार सा जूस है, वो आ चुका है, मैं पी लूं फिर मैं जाऊंगी। मेरा बहुत दिल करता पीने का। मैं आई हूँ बाबर दिलबर की तरफ। बाबर दिलबर दोनों नहीं है बट मैं कक्की को लेके जाऊंगी। दिलबर हर बार घूम आती थी। मेरा बच्चा शहजादा इतना गंदा क्यों बना हुआ है? हैं? बना हुआ तुम? ओ क्यों हो गया? क्यों? मुन्ने को क्या चाहिए? ओए सदका। हम लोग जा रहे हैं बाहर। मैं लेकर जा रही हूँ क्योंकि कोई शाम में बच्चों को लेकर जाऊंगी। इसके बाबा ने कहा था इनको लेके जाना, लेकिन फिलहाल एक को लेके जा रही हूँ। लोग आए हैं यहाँ पर बाइक की वो नंबर प्लेट देने, और क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों इतनी परेशान है। क्योंकि क्या हो गया? क्यों हो गया? कभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, हम लोग वेट कर रहे हैं। कक्कू क्या तुम ठीक हो? कक्कू बताओ ना। अभी जो है अंडा सो गए इसको हम लेके जा रहे हैं। मेरे बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे कब से, मेरे हाथ में तो मेरे लाल हो गए। देखो कैसे प्यार कर रहा है उसको, ये फेवरेट है ना शायद इसलिए। ओ अभी मैं आ चुकी हूँ वापस घर और मुझे काफी सारा टाइम हो चुका है। अपना मैंने नेल पेंट भी चेंज करा है। बस ये 2-3 दिन का मेहमान इसको खत्म कर दूंगी, इसके बाद मैंने कभी नेल्स नहीं करने क्योंकि मैं सीख चुकी हूँ। इसके अलावा मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर। मुँह इतना गंदा नहीं है, बस ऐसे करके मैं तभी गंदा आता है, वैसे इससे जरा सही आता है। तो मैं बाहर जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले अपने बाल स्ट्रेट कर लेते हैं, जल्दी से करते हैं बाल को स्ट्रेट। स्ट्रेट कर लिए, मैं करने लगी हूँ मेकअप। तो मेरे का मेकअप भी शेयर करती रहूँगी। खैर मैंने अभी अपने आंखों पे लगाया है क्रेलॉन का स्टिक और उसके बाद पाउडर टैप टैप करके लगा रही हूँ। बाकी मैं वॉइस ओवर करूँगी। तो आइस की बेस बनाने के बाद फिर मैंने जो है ट्रांजिशन एरिया पे मैंने ब्राउन और हल्का सा ऑरेंज कलर लिया और मैंने इसको अच्छे से कर लिया था यहाँ पर ब्लेंड। इधर मैंने स्किन कलर का शिमर लिया और उसको मैंने लगाया अपने डी एरिया पे एंड दैट्स इट। ये जो था मेरी आंखों का मेकअप था और ये जल्दी से होता है और ये बहुत क्यूट लगता है और आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी लगती हैं। उसके बाद मैंने बॉब का मस्कारा लिया और मैंने सबसे पहले अपनी आंखों के ऊपर से लगाया। ऐसे लगाने से ये टेक्निक है आपकी लैशेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, लाइक लगता है आपने लैशेस लगवाई हुई हैं। उसके बाद मैंने एक और मस्कारा लगाया ताकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा और वॉल्यूम आए, और ये मैं 2 मस्कारा हमेशा लगाती हूँ। देन मैंने मेबलिन का पोर्स इरेजर लिया और ये बेस्ट है। और इसके यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस दिखा, यहाँ पर काफ़ी आप लोगों को डिफरेंस है। अभी तब इसमें नहीं दिख रहा था बट रियल में ना वो इतना पोर्स को वो कर देता है कि आपका ना स्किन बहुत अच्छी लगती है। और फिर मैंने लिए हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन, ये बेस्ट है और इसका बेस्ट 1 ड्रॉप ही इनफ होता है। और देन मैं इसको डॉट डॉट करके ना अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया था। अपने हाथ इसलिए यूज़ करती है कि ब्यूटी प्रोडक्ट पर सारा जो है ये लग जाता है ये फाउंडेशन, और फिर फेस पर कुछ रहता ही नहीं। ये है मेबलिन का कंसीलर। अगर आपके पास ये कंसीलर है ना, आप जितना भी गंदा आपका फेस बना बस आप इसको हल्का सा लगा लें और बस आपका फेस जो है मिनटों में जादू की तरह अच्छा हो जाएगा। दैन मैंने ब्यूटी पार्लर का टिंट लिया, ये बेस्ट है, इसको मैं हमेशा लगाती हूँ। इसको लगाने के बाद मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ, सिर्फ मैं सोचती हूँ। और बस इसके बाद जो है ये मेरे रिंग लाइट से मोबाइल गिर गया था तो मैंने आगे शूट ही नहीं किया, बस मैं आपको लास्ट लुक दिखा देती हूँ कि मैं एंड में कैसी लग रही थी। तैयार जो है वो हो चुकी हूँ और बस अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ हमेशा की तरह। घर आ चुके हो, मैं इतनी थक गई हूँ बहुत ज्यादा। गट्टू मुझे इतना मिस कर रहा था, इतना मिस कर रहा जिसने कहा मिस कर रहा था। मेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। ऐसे नहीं बोला कर, तेरा मुंह तोड़ूंगा, बड़ी हूँ ना मैं तुमसे, रिस्पेक्ट करो मेरी। रिस्पेक्ट माय फुट, मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। तू मुझे कभी कहीं लेके जाती है क्या? क्या नहीं लेके जाती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करोगे। नहीं करूंगा, नो नेवर। यार क्या हो सकता है यहाँ से, मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ, कुछ हो सकता है क्या? अच्छा तो मुझे एक चीज़ के इतने कल से मैसेजेस आए कि नैना अपने कॉपी किया। तो उस तरह की मैंने जो कॉपी किया वो मैंने हेयर कटिंग का सब किया था, तो मैंने आप लोगों को भी एक स्क्रीनशॉट सेंड कर लिया। ये परसों की है क्योंकि मैंने परसों जिस दिन मैंने बाल कटिंग करा उस दिन सेम दिन ही सितारा ने करा, और सितारा का ब्लॉग दूसरे दिन आया और मेरा भी उस दिन आना था। तो उस दिन ना तकरीबन पहले आई थिंक ब्लॉग अपलोड कर दिया था तो मेरा लेट ब्लॉग आया, और मुझे कसम से नहीं हुआ था कि उसने भी कटिंग करानी है। और मुझे उसके बाद पे बहुत बोल रहे हो आप सब कॉपी करते हो, आप उससे जेलस होते हो, जेलस में आप करवा रहे हो।
तो मैंने करते तो मैं अपने बाल बिल्कुल वैसे कटवा देती ना, बट मुझे नहीं, शाहरुख ने मुझे बहुत बोला कि इतने इतने करवा लो, उसको खुद को वैसे इतने बहुत पसंद है, बट मेरा भी यही है कि मैंने अपने बाल जो है लंबे करने, फुल बड़े करने। तो बस यही मैं समझा क्लियर करना, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बात है, प्लीज़ आप लोग की मैंटेलिटी देख कर ना, इतना मुझे कभी कभी अफसोस होता कि आप लोग कितने, कभी कभी आप लोग कितनी जाहिलों वाली बात, जैसे जाहिल बात करते हैं ना, कि सब कह रहे, सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि ना नैना आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, किसी ने कोई चीज़ बोला ही नहीं। लेकिन जो कुछ जाहिल थे, जैसे अनएजुकेटेड पीपल, तो वो लोग कह रहे थे कि ना कॉपी किए कॉपी किए। वॉट कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा तंग करें, दिल से मैं कर लेती हूँ इन कपड़ों को चेंज, मैंने चेंज कर लिए हैं और अब मैं जैसे कर लेती हूँ अपने बालों को कॉम, क्योंकि अब कॉम करती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील होता है। हो गए बाल भी मेरे कॉम, और कैसे अच्छे लग रहे हैं, सिर्फ हल्का सा कॉम कर लो बाल अच्छे रहते होंगे। थोड़ी सी टिकटॉक से फिर उसके बाद अब मेकअप रिमूव करूँगी, फिर मुझे कैसा फोन आएगा। कपड़े पहनने के बाद ना बहुत ठंडा अच्छा अच्छा लग रहा है, पतला पतला मतलब लाइट लाइट फील हो रहा है। बहुत सारी जो है वो टिकटॉक भी बना ली है। अब शाहरुख तो सो गया, फिर उसको नींद आ गई, 3:30 हो रहा है। मैं कब से बैठी हुई बना बना के करने लगी अपना मेकअप रिमूव। रिमूव करने से पहले सबसे पहले मैंने अपने बाल जो है वो बंद कर ले रहे हैं, ऊपर अच्छे से हाई पॉनी कर लूँगी ताकि मेरा सारा मेकअप जो है मुझे जैसे रिंग लाइट ने ना इतना अजाब किया हुआ था ना, मैं जल्दी से अपने बालों को ऊपर कर लेती हूँ अच्छे से। मैं लूँगी रोज़ वाटर, इसको कर लेंगे अच्छे से स्प्रे स्प्रे स्प्रे, बस उसको टिश्यू से जितना हो सकता है निकाल लूँगी मेकअप। अब मैं हिमानी का टर्मरिक का जो है ये फेस वॉश लूँगी। आप सब लोग पूछते हो ये कहाँ से मिलता है, इम्तियाज स्टोर से, मैं इम्तियाज स्टोर से ये हमेशा लेती हूँ, तो आप लोगों को भी इम्तियाज स्टोर से बहुत इजीली मिल जाएगा। फेस वॉश करने के बाद मैं इस पर स्प्रे करूँगी अगेन, और अब जो मेरा जितना भी मेकअप होगा ना मुझे 100% श्योर है वो उतर जाएगा। तो ये मेरा मेकअप जो है वो सारा हो चुका है रिमूव, जैसे कि आप देख सकते हैं, और एंड में मैं इस पर स्प्रे करूँगी। दैट्स इट, बस और मैं हो गई ख़त्म। तो फिर शाहरुख का सर खा रहे हो चुका है, मैं भी अभी सो जाती हूँ, सुबह का अगर कुछ ब्लॉग रह जाएगा तो मैं सुबह ही कर दूँगी। तो इसी के साथ साथ मैं आज का ब्लॉग जो है वो यही बंद करती हूँ। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।